जमींदोज केज में कबूतरों के बच्चे और अंडे आए हुए और कुछ बच्चे भी निकले हुए हैं। आज मैं आपको सारे कबूतरों के अंडे और बच्चे दिखाता हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की इस वक्त ये ग्रोथ दे रहे हैं, हालांकि गर्मियां भी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कबूतर इस वक्त दाना वगैरह खा रहे हैं और आज इनके बच्चे वगैरह अंडे वगैरह चेक करते हैं। माशाल्लाह ऊपर चेक करें ना यार, सारे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 70-75 कबूतर इस वक्त सारे दाना खा रहे हैं यार। ये देखना माशाल्लाह, सारे इस वक्त फुल दाने के ऊपर, ये टूटे हुए थे यहाँ पे दाना पड़ा हुआ है। और ये देखे ना माशाल्लाह, कितने ज़्यादा हमारे कबूतर होते जा रहे हैं। और दिन बदिन यार ये बच्चे और अंडे इतने ज़्यादा निकाल रहे हैं कि आप लोग को अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो ज़मींदोज खुड्डा है ना, ये देखें पानी अभी पी रहा है और अपने बच्चों को जाके फीड करेगा। क्योंकि जो ज़मींदोज खुड्डा होता है ना, ये गर्मियों में ज़बरदस्त किस्म की फिर भी प्रोडक्शन देता है। प्रोग्रेस इनकी ज़बरदस्त चल रही है। मैं ज़मींदोज खुड्डे में जा रहा हूँ फ़ौरन से, और मैं आपको आज सारे कबूतरों की प्रोग्रेस दिखाता हूँ। कुछ चिक्स निकले थे और वो भी आपको दिखाता हूँ। अंडा एक टूटा हुआ भी है, किस इससे भी बच्चा निकल के बैठा हुआ है इस वक्त। ये देखें ना, कहीं ना कहीं बच्चा निकला हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि डेटें मुझे याद नहीं रहती। और यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले दो अंडे पड़े हुए हैं, और इस साइड पे देखें, आपको याद होगा कि हमने तीसरा फोस्टर अंडा इसके नीचे रखा था, इसके नीचे दो अंडे पड़े हुए हैं दोस्तों, जो हमारे जंगली कबूतर हैं ना, इसके नीचे हमने दो रखे थे। और यहाँ पे तीन अंडे पड़े हुए हैं, एक पड़े हुए फोस्टर कबूतरों का और दूसरा दो इसके अपने पड़े हुए हैं। और अपने कौन से पड़े हुए हैं, आपको याद होगा कि हमने इसके नीचे दो अंडे रखे थे, बाद में जो हमने फ्रिज में रखे थे और बाद में हमने इसके नीचे रख दी थी। पता नहीं ये अभी निकालता है कि नहीं निकालता। अभी आगे चलते हैं इस साइड पर। आज कितना ज़बरदस्त किस्म का नेस्ट इन्होंने बनाया हुआ है और एक अंडा दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारा स्लेटा और वाइट स्लेटा यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और स्लेटे का कितना प्यारा कलर है। वो चूँच भी मार रहा है, इतने छोटे छोटे हैं, चूँचे मारते हैं यार। आगे चलते हैं। ओए ये बस सेल्फ होने वाले हैं दोस्तों, और तकरीबन सेल्फ हो भी गए हैं। इंशाल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, और इंशाल्लाह ना ये जल्द बाहर निकल आएंगे। और इसके नीचे मैंने, आपको याद होगा कल मैंने इसके नीचे, नहीं ये तो हैं फोस्टर कबूतर, फोस्टर के अंडे इसके नीचे पड़े हुए हैं। और अभी आगे चलते हैं इस साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी लाइन में जा रहा हूँ इसके नीचे भी नंबर फोर वाले फोस्टर कबूतरों के अंडे पड़े हुए हैं जंगली के नीचे। इसके नीचे भी फोस्टर के पड़े हुए हैं, इसके नीचे भी फोस्टर के पड़े हुए हैं, और आगे भी दिखाता हूँ जहाँ फोस्टर के पड़े हुए हैं। और अभी आ चुका हूँ अगली लाइन में। इसने कितना ज़बरदस्त किस्म का नेस्ट बनाया हुआ है, और इसके नीचे भी दो अंडे पड़े हुए हैं। ये देखें ना, इसके नीचे भी जंगली के नीचे दो अंडे पड़े हुए हैं। और आगे चलते हैं, इस साइड पर कुछ नीचे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि सेल्फ होने वाले हैं। इस साइड पर तो मैंने आपको दिखा दिए, तीन पड़े हुए हैं। और इस लाइन में नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे इसके नीचे मैंने फोस्टर के अंडे रखे हैं आज, मतलब कल हमने इसके नीचे रखे थे, और आज इसके नीचे देखे ना दो पड़े हुए हैं। और इसके नीचे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह दो इसके नीचे पड़े हुए हैं, और कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने नेस्ट बनाए हुए हैं। यार मुझे याद नहीं इसके नीचे मैंने फोस्टर के रखे थे या इसके नीचे रखे थे, आप लोगों ने बताना कि किसके नीचे मैंने रखे थे। ये वाले चिक्स भी तैयार हो चुके हैं, ये यहाँ पर आ जाएँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की इनकी ग्रोथ हो रही है। और यार इसका कलर और आया है और इसका कलर ब्लैक आया है, ये क्या चक्कर है। और माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हो रही है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं किस साइड पे आगे। ओ यार देखे ना मेरे मुंह के ऊपर पसीना कितना ज़्यादा आया हुआ है, और हाथों के ऊपर मैं आपको पसीना दिखा देता हूँ। गर्मी है यार, असल में जब बंदा बोल रहा होता है ना, फिर गर्मी ज़्यादा लग रही होती है। और यहाँ पर आपको इस लाइन में दिखा देता हूँ, इस लाइन में मैंने आपको दिखा दिया है, अब भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, और इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा बच्चे इन्होंने निकाले हुए हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे क्यूट बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं। या बेबी चिक्स, ये देखें यार माशाल्लाह, ये अभी नए मेहमान आ चुके हैं। और इन्होंने नेस्ट कितना ज़बरदस्त किस्म का, सही ज़बरदस्त बड़ा नेस्ट इन्होंने बनाया। और दूसरा भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश चिक्स अभी आप देख सकते हैं, बेबी चिक्स, और बेबी पिजन। और आगे चलते हैं इस साइड पर, ये तो मैंने आपको दिखा दिए इसके नीचे, और मज़ीद कहाँ पे हैं, इस साइड पे होंगे कहाँ होंगे। ये देखें ना इसके नीचे क्या है, इन्होंने अभी नेस्ट बनाया हुआ है, अंडे देने होंगे इन्होंने। और इसके नीचे चेक करते हैं, माशाल्लाह यार इसके नीचे बिल्कुल फ्रेश अभी चिक्स निकले हुए हैं, अभी देखें ना माशाल्लाह। ये मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखें ना ज़बरदस्त। और ये चिक है, आहा बेबी चिक्स, बेबी पिजन यार, बेबी चिक्स कह देता हूँ। कुछ भाई कहते हैं ना कि यार आप इनको चिक्स ना कहा करें, बेबी पिजन कहा करें, इस वजह से मुझे भूल जाता है। और ये आज निकला है फ्रेश, बिल्कुल अंडे से आज ही निकला है फ्रेश, बिल्कुल छोटा सा है, देखना क्यूट सा है। इसको इनके नीचे रख देता हूँ यार, क्योंकि ये इनकी माँ बाप इनको फिर अच्छी तरह से करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ब्रूडिंग इनकी करेंगे। नीचे कुछ चिक्स इस वक्त मौजूद हैं, बेबी पिजन मौजूद हैं यहाँ पर, देखें माशाल्लाह। ये देखें
ये सेल्फ हो चुके हैं, ये दोनों सेल्फ हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें हमारा पैरेट पिजन। और यहाँ पे देखें इसने यार सही दोम अपनी खड़ी की हुई है। ये देखें ना दोस्तों, इसकी दोम किस तरह से खड़ी है। लक्की कबूतरों का बंदा कहता है कि शायद क्रॉस है ना। तो यहाँ पे कुछ ये भी इनकी ग्रोथ चेक कराता हूँ आपको। ये देखें ये बैठा हुआ है, ये इस वक्त जिसको रंग लगा हुआ है ये बैठा हुआ है। उसके बाद ये अभी जो चीं चीं कर रहा है, ये चेक कर कलर इसका जिस तरह हमारा दूसरा है ना फैंसी कबूतर होते हैं ना पमोरियन, चेक कर कहा जाता है उनको। और माशाल्लाह इनको चेक करें, ज़बरदस्त। इसका कलर चेक करें किस किस्म का कलर है इसका, ये देखें ना इसका कलर चेक करें। और इसका इसके भाई का कलर चेक करें, बहन है या भाई है। इस कितना अजीब कलर आता है यार, उसका कलर कोई और है और इसका कलर कोई और है। और मेरा कलर इस वक्त चेक करें, कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ यार। जून का महीना है ना, जून के महीने में ऐसी हालत हो जाती है। और इस वक्त इस मतलब अभी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, फिर भी ये हालत इस वक्त हो चुकी है हमारी। दोस्तों अभी मैंने आपको सारे दिखा दिए बेबी पिजन और हमारे कबूतरों की प्रोग्रेस मैंने आपको दिखा दी। कितना ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे, माहौल ठीक है। लेकिन ये है कि मैं बाहर से जब आया हूँ ना तो गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और मैं जब बोल रहा होता हूँ ना फिर भी इस तरह का मुझे गर्मी लग रही होती है। अभी सारे कबूतर हमारे नीचे यहाँ पर उतरे हुए हैं और इन्होंने दाना वगैरह इस वक्त खा लिए। आजकल ये चौके पे जाते हैं दाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जाते जिस तरह पहले जाते थे। अभी ये कम ही जाते होते हैं, आजकल हम इनको घर ही दाना डालते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त हमारे कबूतरों की तादाद तकरीबन 75 हो चुकी है। कुछ बेबी पिजन अभी निकल आए तो इस तरह से तकरीबन 80 हो चुकी है। और फैंसियों को अगर मिलाया जाए तो ये 90 की साइड पर जाते हैं। और इस वक्त सारे ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, तूफ़ान भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। एक और काम हमारा बकाया था, ये वाला काम हमारा बकाया था कि हमने जो कवा पकड़ा था ना, आज हम इस कवे को लगे हैं छोड़ने। ठीक है, ये देखें ना कवा बिल्कुल फ्रेश है, इसको हमने खिलाया पिलाया सारा कुछ इसका की है। लेकिन इसके ना बैक साइड पे जो इसकी दो महीने इसके पीछे गुंडारे बन चुके हैं, मतलब रोड़ियाँ बन चुकी हैं मिट्टी के ना, बैठ बैठ के गीला होने की वजह से ना पीछे मिट्टी इसकी इतनी मोटी मोटी बंटी की तरह मिट्टी बन चुकी है। उसको हम सबसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद ना इसको हम फिर आज़ाद करते हैं। देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। कवे को मैं लेकर दूर जा रहा हूँ और हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे ना कवे आए बैठे हैं कि भाई यार हमारा ना एक हमारी फैमिली का बंदा लेके जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये क्या बनता है। इस साइड पे ना हमारी मुर्गियाँ शाम के वक्त ना मुर्गियाँ और चूजे सारे इधर रोटी के भोरे खा रहे होते हैं, मतलब गीली जो रोटी हम करते हैं ना, रोटी भिगो के डालते हैं, वो इस वक्त ये खा रहे हैं। अभी मैं इसको छोड़ने लगूँ दोस्तों, क्या बनता है ये देखिएगा। ये देखें कहाँ जाते हैं, वो वाले कवे भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखें उड़ के कहाँ जाते हैं। ओए इसको, ओए उठ उठ यार, ये क्या, ओहो ये तो मरने वाली हालत इसकी बन गई है यार। ये देखें मुर्गा ने फौरन इसके ऊपर अटैक कर दिया यार, अभी क्या करें। सारे कवे भी मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, अभी तो ये कवे मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, हालात ख़राब मैंने कर दिए। ये क्या, ये तो पहले से ज़्यादा मरने वाली हालत इसकी हुई बैठी है। पहले तो ये उड़ता था जिस वक्त हमने इसको पकड़ा था। ओह हो, बड़ा यार जुल्म किया इसके ऊपर कबों ने। वो देखे ना कवे किस तरह से आए बैठे हैं, अभी क्या करें यार इसका। फिर से इसको घर वापस लेके जाते हैं और इसको कोई और हाल निकालते हैं यार, अभी तो ये बिल्कुल बिल्कुल मरने वाली हालत इसकी हुई। ये देखें, ओहो गर्दन भी इसने लटका दिया मुर्गे ने यार, इसको बहुत जुल्म की मारी है। पता नहीं इसको कील भी शायद लग गया हो कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब में ये शायद नहीं ना बचे। देखें ना मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें यार, ये देखें ना, ये इस बेचारे को लकवा पड़ चुका है। ये देखें इस बेचारे को लकवा पड़ चुका है यार, इसको नज़र ही नहीं आ रहा। ये क्या यार, हमने इसकी इतनी हिफाजत की है, इसको खिलाए पिलाए। और इस साइड पे देखें ना कवों का पूरा जंक्शन आ चुका है यार, उन्होंने कवों ने ना दूर दूर से कवे बुला लिए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। कवे इतना ज़्यादा गैर रखते हैं ना, जिस बंदे को ये पहचान लेते हैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ते, हर वक्त मेरे सर के ऊपर ये चूँचे मारते रहे हैं। अभी मैं डर गया हूँ यार, अभी क्या करेंगे। ये देखें ना ऊपर किस तरह से आ गए, इन्होंने मेरे हाथ में कवा देखा है और ये इस तरह से आ गए यार, अभी क्या किया जाएगा। ये देखें उधर से यार, कितने दूर दूर से ये कवे आ रहे हैं और बुला रहे हैं सारे कवों को। ओ तेरी खैर, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या माजरा यार। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये कवों की ये इस तरह से भी होता है यार, इसको हमने बचाया था यार। ये देखें ना अभी यार ये इधर ही मरेगा, बस इसको ना आज के बाद इधर ही, ये इधर ही मर जाएगा, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी आप लोगों ने यार बताना है कि हम इस कवे का क्या करें ना,
अभी मुझे जो है समझ ही नहीं आ रही इतने ज़्यादा कवे आए हुए हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि हम इस कवे का क्या करें, हम इसको घर पे रखें, अभी तो ये खाने का पीने के भी काबिल नहीं है, या इसको ज़िबा तो कम कर नहीं सकते क्योंकि ये हराम है, हलाल तो है नहीं, इसको हम ज़िबा ही नहीं कर सकते। क्या करें यार, इसको ज़िबा करें, क्या करें, इसको ख्याल रखें, क्या करना पड़ेगा, मुझे तो बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या किया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल पेंड बरादर व्लॉग को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।